यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लखनऊ से खबर, पूर्व कमिश्नर सुजीत पांडे की पैरवी में वकील उतर गए। सुजीत पांडे हटा दिया गया है उनको कमिश्नर पद से, पूर्व कमिश्नर इसीलिए कहा जा रहा है, उनकी पैरवी में वकील उतर गए। लखनऊ सेंट्रल बार एसोसिएशन ने सीएम को पत्र लिखा है और लेटर में लिखा है कि सुजीत पांडे ने जनता के बीच में बेहतर काम किया। सुजीत पांडे के पक्ष में वकील, शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस ने प्रभावी नियंत्रण पाया था। सरकार सुजीत के तबादले के फैसले पर पुनर्विचार करे। तो उनको दूसरी जगह चूंकि अटैच कर दिया गया है और ऐसे में नए पुलिस कमिश्नर ने पदभार संभाल भी लिया है। पदभार संभालने के बाद सबसे पहले एबीपी गंगा के साथ जुड़े भी, लेकिन इसमें वकील सुजीत पांडे के पक्ष में आ गए। लखनऊ सेंट्रल बार एसोसिएशन ने सीएम को पत्र लिखा है और लेटर में लिखा है कि सुजीत पांडे ने जनता के बीच में बेहतर काम किया। सुजीत पांडे के पक्ष में वकील, शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस ने प्रभावी नियंत्रण पाया था। सरकार सुजीत के तबादले के फैसले पर पुनर्विचार करे। तो उनको दूसरी जगह चूंकि अटैच कर दिया गया है और ऐसे में नए पुलिस कमिश्नर ने पदभार संभाल भी लिया है। पदभार संभालने के बाद सबसे पहले एबीपी गंगा के साथ जुड़े भी, लेकिन इसमें वकील सुजीत पांडे के पक्ष में आ गए। लखनऊ सेंट्रल बार एसोसिएशन ने सीएम को पत्र लिखा है और लेटर में लिखा है कि सुजीत पांडे ने जनता के बीच में बेहतर काम किया। सुजीत पांडे के पक्ष में वकील, शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस ने प्रभावी नियंत्रण पाया था। सरकार सुजीत के तबादले के फैसले पर पुनर्विचार करे। तो उनको दूसरी जगह चूंकि अटैच कर दिया गया है और ऐसे में नए पुलिस कमिश्नर ने पदभार संभाल भी लिया है। पदभार संभालने के बाद सबसे पहले एबीपी गंगा के साथ जुड़े भी, लेकिन इसमें वकील सुजीत पांडे के पक्ष में आ गए।